हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सप्लेन करूंगी। ये देखो, ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हमें एक सेल की ज़रूरत होती है, विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो ये देखो, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया गया है एंड इसके बीच में इलेक्ट्रोड्स रखे गए हैं। ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए गए हैं बीइंग इनर्ट। ये देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो दो लाइनें सी हैं, दे आर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। अब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसमें वाटर फिल किया गया है एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द सोलर पैनल। अब देखो, हमें सेल चाहिए होता है, एक बैटरी चाहिए होती है, बट उसकी जगह है, मैंने यहाँ पे सोलर पैनल यूज़ किया है। ये सनलाइट पड़ रही है तो उससे ये वर्क कर रहा है, तो हमें सेल की ज़रूरत नहीं है, उसको रिप्लेस कर रहा है, एनर्जी भी कंजर्व करता है। और ये जो रेड वायर है, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इट इज़ नोन एज कैथोड। एंड जो येल्लो वायर आप लोग देख रहे हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इट इज़ नोन एज एनोड। अब वाटर में, जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, उसमें थोड़ा सा हम NaCl डालते हैं ताकि वाटर के जो आयंस हैं वो बन जाएं, क्योंकि वाटर की डिसोसिएशन बहुत कम होती है। सो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें H+ और OH नेगेटिव आयंस चाहिए। वाटर H+ और OH नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट हो जाए, उसके लिए उसमें थोड़ा सा NaCl डाला गया है इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले इसमें। अब देखो, H+ और OH नेगेटिव आयंस जब बन जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? अब इस सॉल्यूशन में ऐसे इमेजिन करो कि H+ और OH नेगेटिव आयंस इसमें घूम रहे हैं, तो H+ कहाँ पे मूव करेगा? उस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो कैटायन है, तो वो नेचुरली नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। नेगेटिव टर्मिनल का क्या नाम है? कैथोड है। कौन सी वायर है इस सेटअप में? रेड वायर है। सो H+ कैथोड पे जाएगा, वहाँ पे जाके क्या करेगा? कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो H+ इलेक्ट्रॉन विल चेंज टू H न्यूट्रल। सो H+H मिलके हाइड्रोजन गैस बनेगी। सो आप देख सकते हो कि ये जो कैथोड टर्मिनल है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। अब H+ ने अपना काम कर दिया, हाइड्रोजन में चेंज हो गया। अब बचा क्या? OH नेगेटिव आयंस। अब नेगेटिव आयंस, इन आयंस बोला जाता है उनको, उन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है? एनोड है, जो कि येलो वायर के साथ कनेक्टेड है। अब OH नेगेटिव आयंस वहाँ पे जाके अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे एंड 4 OH मिलके वाटर बनाएंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे। ये देखो, ऑक्सीजन जो गैस है वो यहाँ पे एनोड पे लिबरेट हो रहा है। सो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट, कोई हमें बोले कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बताओ क्या होंगे, तो हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट एनोड। मोर ओवर, वन मोर पॉइंट इज देयर, आप देख सकते हो कैथोड पे जो बबल्स की इंटेंसिटी है वो एनोड से ऑलमोस्ट डबल है। इसका क्या रीज़न है? ज़्यादा बबल्स बन रहे हैं, H2O होता है। हाइड्रोजन जो है वो डबल वॉल्यूम में लिबरेट होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ये तो इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग हुई, आप सारा ये देख ही सकते हो, ये हमने की है। बाकी नेक्स्ट इसके साथ आपको एक और स्लाइड मिलेगी जिसमें केमिकल रिएक्शंस मैं बताऊंगी कि कैथोड एनोड पे एक्चुअल में रिएक्शंस क्या हो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने वीडियो देखी है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की, सो अब उसकी केमिस्ट्री देख लेते हैं कि एक्चुअल में रिएक्शंस उसमें कैसे कैसे हुए हैं। सो आफ्टर एसिडिफिकेशन वाटर के आयंस बन जाएंगे, इट विल गेट डिसोशिएटेड इनटू H+ एंड OH नेगेटिव आयंस। सो एसिडिफिकेशन के लिए हमने जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड NaCl भी डाल सकते हैं, तो उसके भी आयंस बनेंगे। जैसे मान लो कि हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है एसिडिफिकेशन के लिए, तो वो भी अपने आयंस बनाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड किस में आयनाइज करेगा? H+ एंड सल्फेट आयंस में। वाटर किस में आयनाइज करेगा? H+ एंड OH नेगेटिव आयंस में। अब जैसे कि हमारे पास सेटअप है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल मान लेते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, वन इज कैथोड एंड अनदर इज एनोड। जो हमारा कैथोड है, इट इज़ नेगेटिव टर्मिनल, एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, इट इज़ एनोड, इट इज़ कैथोड। नाउ ये बिकर जिसको हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया है, इसमें हमारे सारे ये आयंस जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं। कौन कौन से आयंस हैं? H+ हैं,
हाइड्रोक्साइड आयन्स एंड सल्फेट आयन्स हैं। ये एच प्लस तो दोनों में ही है, तो इसमें क्या क्या है? बेसिकली एच प्लस है, ओ एच नेगेटिव एंड सल्फेट आयन्स है। नाउ कैटायन तो हमारे पास एक ही है, तो पहले हम कैटायन का देख लेते हैं क्या होएगा, फिर हम एनायंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एनायंस हमारे पास एक से ज़्यादा हैं। अब कैटायन किसकी तरफ? कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेचुरली नेगेटिव की तरफ। तो जो हमारे एच प्लस हैं वो किसकी तरफ माइग्रेट करेंगे? कैथोड की तरफ। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रही हूँ एट कैथोड। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा? अब हमें पता है कि कैथोड पे हमेशा क्या होती है? रिडक्शन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप ये चीज़ याद रख सकते हो, एक शॉर्टकट होता है ऑयल रिग। ऑयल रिग इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है। ऑक्सीडेशन इज लूजिंग एंड रिडक्शन इज गेनिंग व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होनी है, एनोड पे ऑक्सीडेशन। ये भी कैसे याद रख सकते हो? कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। ए ओ दोनों वॉवल्स हैं, सी और आर दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं। सो कैथोड पे क्या होएगी? रिडक्शन। रिडक्शन आगे क्या होता है? रिडक्शन इज गेन। गेन व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स। नाउ एच प्लस कैथोड पे गए, वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन किए और किस में चेंज हो गए? एच न्यूट्रल में। नाउ एच एटम स्टेबल नहीं है, तो एच प्लस एच मिलके क्या बन जाएगा? एच टू। तो हमने ये बोला था कि हमारी कैथोड पे जो है वो क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन एज अ प्रोडक्ट रिलीज होगी। क्लियर है ये चीज़? सो कैथोड पे रिलीज क्या होएगी? हाइड्रोजन, जो हम देख रहे थे रेड वायर के साथ कनेक्टेड था जिसमें बबल ज़्यादा बन रहे थे, दैट इज हाइड्रोजन। नाउ अब एनोड पे एक प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? एनोड पे देयर विल बी कॉम्पिटिशन अमंग हाइड्रोक्साइड आयन्स एंड सल्फेट आयन्स। हमारे पास दो तरह के आयन्स हैं, कौन से? हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट। दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, अब दोनों ही पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। नाउ देयर विल बी ए कॉम्पिटिशन, और ये डिसाइड कौन करेगा कि दोनों में से विन कौन करेगा? ये एक पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या पैरामीटर होता है? डिस्चार्ज पोटेंशियल। लेट्स सी, डिस्चार्ज का मतलब क्या? चार्ज खत्म होना। जैसे एच प्लस ने भी इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना चार्ज ही खत्म किया, तो सिमिलरली एनोड पे अब देखते हैं क्या होगा। एनोड पे देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन ओ एच नेगेटिव एंड एस ओ फोर टू नेगेटिव। इसमें से ओ एच नेगेटिव आयन विन कर जाता है। एक सीरीज होती है, वो सीरीज हम लिख लेते हैं सल्फेट नाइट्रेट क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड हाइड्रोक्साइड। जैसे हम सीरीज में डाउन जाते हैं तो डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। अब आप देख सकते हो कि हाइड्रोक्साइड आयन नीचे आ रहा है सल्फेट आयन से, तो हाइड्रोक्साइड आयन्स विल विन। विन का यहाँ पे मतलब है कि वो सल्फेट आयन को पीछे छोड़ देंगे, खुद जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब अपना चार्ज खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज करके। अब ये OH स्टेबल नहीं है, तो एक्चुअल में ये 4 OH मिलके 2 वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं प्लस ऑक्सीजन। तो एनोड पे क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन गैस। सो हमने यही देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? हाइड्रोजन रिलीज हो रही है कैथोड पे एंड ऑक्सीजन रिलीज हो रही है एनोड पे। और वो डबल वॉल्यूम का क्या कंसेप्ट था? हमने देखे थे ना, ज़्यादा बबल्स आ रहे थे, तो वो इस कारण है। अब ये देखो, अब इसको नेट रिएक्शन में लिख दूँ, ये इलेक्ट्रोलिसिस का नेट। तो आप देख सकते हो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है एंड 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन। इसीलिए जो हाइड्रोजन लिबरेटेड है दैट विल बी डबल फ्रॉम ऑक्सीजन। सो दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइसिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।